बात सुनो भाई, मैं सोच रही थी कि रोका करने की क्या जरूरत है भाई, क्यों ना हम सगाई कर दे, क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, बेबे की बात बिल्कुल सही है, और चट मांगनी पड़ गया। तू क्या कहता है काके? अरे यार बेबे की बातें सर आंखों पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेबे, जो खर्चा अपन रोके में करेंगे ना, उतना अपन सगाई में कर देंगे। लो देखो इसे, पैसे लुटाना तो कोई इससे सीखे। अरे बेबे आपका आशीर्वाद हो तो फिर किस बात की चिंता, मेरा तो यही मानना है शान में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है यार, तू अपनी शान दिखा लेना ठीक है, लेकिन जरा मुझे तक्षय तो पूछने दे कि इसकी क्या राय है। अरे उससे क्या पूछने यार, मैंने बोल तो दिया ना। और यार तू बीच में नहीं बोलेगा ठीक है? दक्ष पुत्र, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे क्यों ऐतराज होगा, जैसा आप बड़े लोग चाहें वैसा करिए, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। लो भाई सारा तो दुल्हा में प्यार है। बस यही कमी थी, इस खुशी के मौके पे ना इन दोनों की पागलपन भी जरूरी है ना। लेकिन ये दोनों ऊपर से कैसे आ रहे हैं, और वो भी भीगे हुए। छोड़िए ना, आप जानते तो हैं शैतानियां कर रहे होंगे बारिश में। बाय द वे गिनी, तू कब वापस आई? ध्रुव तुम तो जयपुर गए थे ना, मैंने तुम्हें जयपुर भेजा था अपनी मम्मी की कुछ दवाइयां लेकर। भाभी वो मैं तो जयपुर जा रहा था और बस में भी बैठ गया था, फिर बस खराब हो गई। हाँ नहीं, बस खराब नहीं हुई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, वो पता नहीं कुछ टेंशन सी हो गई थी दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। वो पिछले कुछ दिनों से पम्मी आंटी अजीब सा बिहेव कर रही थी है ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पता आंटी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ओए क्या मतलब है तेरा, मैं पागल हो गई थी? नहीं नहीं आंटी, वो बात ये कि आप दक्ष भैया के लिए कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गए थे ना, इसीलिए कभी परांठे तो कभी कुछ और देर रात तक उनका वेट भी कर रहे थे, और कल रात तक तो आपको नींद नहीं आ रही थी उनको खाना खिलाए बिना। अच्छा तो कल रात को आपने दक्ष को खाना भी खिला दिया? हाँ मम्मी, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हैरान हुआ था जैसे आप हैरान हुए हो, इसलिए मैंने फिर गिनी को फोन किया और ये बात बताई। अब लेकिन भैया गिनी तो अपना फोन घर भूल गई थी। हाँ फोन तो घर पे छोड़ गई थी, लेकिन फिर गिनी ने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया, और गिनी ने बोला कि इसको भी काफी दिनों से पम्मी आंटी का बिहेवियर अजीब सा लग रहा है, तो हम घर आए, फिर हमने सोचा आंटी को ये बात करें, बताएं आंटी से कि क्या हुआ, और घर आए तो देखा तो ये दक्ष भी और डिम्पी की शादी की खुशखबरी की बातें चल रही है। तो फिर क्यों गिनी? हाँ हाँ यही तो बात थी, हम दोनों की पहेली ना इस खुशखबरी में तो छिपी थी। चलो इस क्वेश्चन तुम लोग मुंह मीठा करो। शैतान है। ध्रुव हट ना, क्या कर रहा है? ये मेरी बहन है। ये मेरी भाभी है। पहले ये मेरी बहन है। पहले मेरी भाभी है। और चुप करो, लड़के हो रहे हो। चलो भाई अब मदाइया शदाइया तो हो गई, अब काम पर लग जाओ भाई, वक्त बहुत कम है, कल की सगाई है। अवतार पुत्र भाई वो पंडित को कल बुला लेना, क्योंकि शादी की तारीख में निकलवानी है। देखो ना क्या कर रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ऐसी बोलती रहती है। दीदी देखो ना आपका देवर एकदम पागल है। दक्ष भैया आपकी ये साली दहेज में तो नहीं आएगी ना, पहले बता दो। हमारे रिश्ते से पहले तुम दोनों की दोस्ती है, उसके बीच क्यों आ सकता है क्या?
डिम्पी तुम खुश हो ना? डिम्पी एक्चुअली ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे खुद सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। तुम्हें और सोचने का वक्त चाहिए? नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यही कह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, एक ही घर में रहते हैं, पर ऐसा कभी सोचा नहीं, और अब हमारी दोस्ती एक रिश्ते में बदलने जा रही है, मतलब समझ रही हो? हाँ दक्ष मैं समझ रही हूँ, इस नए रिश्ते के साथ हमें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर आई एम श्योर हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकेंगे। तुम्हें क्या लगता है? ऑफ कोर्स लगता है, और वैसे भी हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है ना? हाँ सीख ऐसी होती है अंडरस्टैंडिंग। तो चुप कर मुझे मत बता, तू सीख अपने दक्ष भैया से, देख मेरी बहन का भी से कितना ख्याल रख रहे हैं, और तू है कि तू किसी काम का नहीं है। ध्रुव क्या कर रहा है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? नहीं कि किसी काम का नहीं है। तू कुछ नहीं समझता ध्रुव। एक बात तो समझता हूँ, वो ये कि अगला नंबर हमारा है, और अगर सबने मना कर दिया तो भगा के ले जाऊंगा। तू बोल तो अभी बात कर लूं सबसे? थोड़ा सा भी सबर नहीं है डिम्पी दी की शादी तक। जहाँ प्यार होता है ना वहाँ सबर नहीं होता। करना तो पड़ेगा ही, मैं इतनी जल्दी तेरे हाथ नहीं आने वाली। पहले डिम्पी दी की शादी हो जाए फिर सोचेंगे। और अगर तब तक मेरा मूड बदल गया तो? प्यार करना बहुत आसान होता है लेकिन प्यार से निकलना नहीं मिस्टर ध्रुव त्रिपाठी, समझा कुछ? इसकी और डिम्पी की शादी तो आज पक्की हुई है, लेकिन इनकी जोड़ी तो बचपन से ही बन गई थी। अच्छा क्या बात कर रहे हैं माँ, आप भी ना? और नहीं तो क्या, जब तुम दोनों छोटे थे तो हमेशा साथ खेला करते थे कि नहीं? हाँ ओहो तो इनका चक्कर बचपन से चल रहा है हा? ये क्या, इस समय किसका फोन आ रहा है? हाँ फोन नहीं था माँ, मैसेज था मेरी बॉस का, जो आपने बहाना बनाया था ना अपनी तबीयत का, उसी के बारे में पूछ रही थी कि सब ठीक है या नहीं। तो उनको बता देना कि तेरी शादी पक्की हो गई है और कल सगाई है। हाँ माँ बता दूंगा बाद में। पर बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? हाँ, नहीं माँ ऐसा अच्छा लगता ना कि उन्हें बताऊं और इनवाइट भी नहीं करूं। अरे तो इनवाइट कर लो ना, कल तो सगाई है बुला लो। नहीं भाभी जाने दीजिए ना, पता नहीं उन्हें कैसा लगे यहाँ पे, कंफर्टेबल फील करें नहीं करें। सगाई के बाद मैं खुद मिठाई का डब्बा ले जाऊंगा और बता दूंगा मेरी सगाई होगी। शर्मा रहा बेचारा, शर्मा रहा। हाँ तो पंडित जी सामग्री आप लेके आ रहे हो या फिर मैं मंगवाऊं? ठीक है तो फिर आप ले आइएगा, लेकिन टाइम पे आइएगा। पैरी पोना बेबे। अरे की गाल है, बड़ा जच रहा तू, ये नया कुर्ता पजामा? मेरे बेटे की सगाई है बेबे, जरा मौसम ने साथ नहीं दिया वरना थ्री पीस सूट पहनता है। ओ काके सिंगल पसली का तू लेकिन पहनेगा थ्री पीस सूट है। अच्छा ये बता दक्ष का है, आज तो ऑफिस नहीं जा रहा ना? गया नहीं बेबू, जा रहा हूँ। वही यार आज तेरी सगाई है, तू आज भी ऑफिस जा रहा है यार? पापा जाना पड़ेगा, अभी प्रमोशन हुआ है और छुट्टी भी नहीं मिल सकती मेरे को। तो क्या पुत्र हम तेरी सगाई तेरे ऑफिस में करने आएंगे? नहीं नहीं बेबे मैं आधा दिन छुट्टी ले लूंगा, फिर काम भी जरूरी है जाना पड़ेगा। अरे जाने दो बेबे, नई नई तरक्की हुई है इतना सब कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन बेटा मैं तेरी मेहनत तो लगन से बहुत खुश हूँ, बहुत फख्र है मुझे तुझ पे। काके अगर तुझे अपने बेटे पे फख्र है तो मुझे मेरे दामाद पे फख्र है। गुड मॉर्निंग अंकल। पापा मैं चलता हूँ। एक मिनट पुत्र, नजर उतराता जा, कहीं मेरी नजर ही न लग गई हो।
होने आई। डिंपू पुत्र ऐथे आ। ले तू ही टीका कर। जा ना पुत्र। भैया आप इतना शर्माओ मत। क्या हुआ ध्रुव, कुछ कहा तुमने? नहीं भाभी, वो गला साफ कर रहा था। शोभा मैं चलता हूँ। पापा नहीं, कुछ सोच रहा था मैं। जो काम जिंदगी में नहीं किया वो आज क्यों कर रहा है? कुछ ना बंद कर, जाकर के काम पे लग। पापा वो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ तो बोल ना। वो दक्ष भैया के बाद मेरी शादी का ही नंबर लगेगा ना? तो तुझे भी शादी करनी? ठीक है, करा देंगे। कोई काली भैंडी गूंगी लड़की ढूंढ लेंगे तेरे लिए। नहीं नहीं पापा, ऐसी लड़की क्यों? अबे तेरी जैसे नालायक को कोई हूर की पड़ी मिलेगी क्या? खबरदार, जो आज के बाद शादी के बारे में सोचा भी तो शादी के बारे में सोचना बंद करो। पहले पास होकर के दिखाओ। पापा जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ पुत्र बोल। पापा जी, अंकल जी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? मतलब क्या किया अंकल ने? अभी ऐसे ही ध्रुव ने अंकल जी से बोला कि क्या दक्ष भैया की शादी की बात उसका नंबर है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि तू नलायक अपनी शादी वादी के बारे में सोचा ही मत कर। तू तो बस नलायक है और किसी काम का नहीं है। तुझसे कौन सी लड़की शादी करेगी? अब ये भी कोई बात हुई? ध्रुव लापरवाह है लेकिन दिल का तो अच्छा ना पापा जी। पुत्र, अगर तीनों ध्रुव को नालायक कहता है ना, तो वो तो उसकी आदत है। उसे जब उस पर प्यार भी आता है ना, तब भी उसे नालायक ही कहता है। और रही बात शादी की, तो बेटा दीनू की बात बिल्कुल सही है। पुत्र, कोई भी बाप अपने बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से नहीं करेगा जो दिल का तो अच्छा हो लेकिन कुछ काम ना करता हो, कुछ पैसे ना कमाता हो। पुत्र, शादी के बाद ना जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है। ध्रुव थोड़ा लापरवाह है, ना समझ है, और जब समझ आ जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा और शादी वादी भी हो जाएगी। जल्दी क्या हुँ? पापा को लगता है कि मैं एकदम निकट्टू हूँ। मेरे पापा को भी ये लगता है कि तू एकदम निकट्टू है। मेरे पापा कहते हैं कि कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। मेरे पापा भी यही सोचते हैं कि उससे कौन सी लड़की शादी करेगी। दोनों के पापा जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, पर ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। बड़ों के बीच में तेरा हिसाब क्या करेगा कि नहीं? पर तू हमेशा ऐसा थोड़ा ना रहेगा। चेंज हो जाऊंगा, इस बात की भी क्या गारंटी है? तू टेंशन मत ले। तू ही तो कहता है ना सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान पे छोड़ा था ना,
पर अब लग रहा है कि उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी शादी नहीं हो सकती कि नहीं। गिनी, तेरे और मेरे पापा के हिसाब से मैं ऐसी लायक हूं कि मुझे कोई काली बहरी डूली लड़की मिले। ऐसा मत बोल ध्रुव, तू सिर्फ मेरे लिए बना है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं बदलूंगा गिनी, मैं आप सबको बदल कर दिखाऊंगा। सब मुझे निकम्मा नाकारा नालायक समझते हैं ना, सबको लगता है कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और मैं सबको जिम्मेदारी लेके दिखाऊंगा गिनी। ऐसा क्या करेगा तू? तू बस देख, और मैं ऐसा बदलूंगा कि नहीं ध्रुव, तुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तू जैसे है वैसे ही अच्छा है। और मैंने जिस ध्रुव से प्यार किया है ना, उसमें कोई कमी नहीं है। जितनी अच्छाई इस ध्रुव के दिल में है ना, उतनी अच्छाई किसी के दिल में नहीं है। क्या फायदा ऐसी अच्छाई का गिनी, जो सिर्फ तेरे अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। हाँ, ऐसी अच्छाई का क्या अचार डालूं मैं? अचार भी बनाऊंगा ना तो शायद कोई भी नहीं खाएगा उसको, देख लेना तू। मैं खाऊंगी ना। तू भी ना गिनी। ध्रुव, मुझे तुझ पे भरोसा है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। किन्नी, मैं तुझे खोने से डरता हूं। तू मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये शायद तू भी नहीं जानती गिनी। और मैंने ये बात रियलाइज की है कि मैं तेरे बगैर एक भी कदम नहीं चल सकता, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा गिनी। ध्रुव, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। ध्रुव, एंड आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। जब मैं तेरी दोस्त थी तब भी मैंने ऐसा नहीं किया, और आज तो मैं तुझसे प्यार करती हूं, तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूं? तुझे मुझ पर भरोसा है ना? अपने आप से भी ज्यादा। मुझे बहुत काम है। हाँ भाई, सारे काम तेरे पास ही है ना, मैं तो निखट्टू हूँ, मुझे तो कोई काम है नहीं। पापा जब मुझे लिस्ट पकड़ा देते सारे कामों की, तो सारे काम कौन करता है? मेरा भूत आके करता है। 10-10 आदमियों के काम मैं अकेले करता हूँ, और इज्जत 0। 10 नहीं, 9। 9? एक मैं भी तो हूँ जो हमेशा तेरी हेल्प करती हूँ। थैंक्स, मैं मेरे सारे काम अकेले खुद कर लूंगा। चल अब क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, तू बेवकूफ नहीं गधा है। अब क्या कर दिया मैंने? इडियट कहीं का, जब मैंने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे बोलना चाहिए था गिन्नी मैं भी तो तेरे साथ हूँ। अब इसमें क्या कहना, वो तो मैं हूँ ही ना। तेरा कुछ नहीं हो सकता, चल अभी। ये प्यार में हर बात बोलनी क्यों पड़ती है? ध्रुव, तू है ना 2400 घंटे बॉयफ्रेंड की तरह ही सोचा कर, वैसे हस्बैंड की तरह सोचेगा तो वो भी बेटर है। ध्रुव, खबरदार। हे 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 हे।